Hello students, today I brought for you a very very important video, which is operations on rational numbers. Yes, today we will learn operations on real numbers. Okay, so we will learn how operations means what addition, subtraction, multiplication and division. We will learn how we add two irrational numbers. देखिए क्लास 8 में आपने पढ़ा है कि रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, डिवीजन करते हैं, ये सब बचपन में पढ़ा है। इस साल हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, सबट्रैक्शन कैसे होता है वगैरह वगैरह। आपको मैंने याद है डेफिनेशन दिया था रैशनल नंबर्स का, क्या बताया था, नंबर्स ऑफ द फॉर्म रूट एम, वेयर एम इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। रूट एम वाले नंबर्स को कैसे हम लोग ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे वगैरह वगैरह हम इस साल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सॉरी, ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स। एडिशन फॉर एग्जांपल, जैसे रूट फाइव प्लस रूट टू रूट फाइव। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो सर्ड होता है, ये जो सर्ड है इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बताता हूं। इसको सर्ड कहते हैं, हिंदी में कर्णी कहते हैं, ठीक है। सर्ड के जो अंदर नंबर लिखा जाता है, अंदर जो नंबर लिखा जाता है उसको हम कहते हैं रेडिकैंड। ये रेडिकैंड होता है, और यहां जो बीच में गैप है, यहां जो नंबर लिखते हैं वो उसका ऑर्डर होता है। ये सर्ड का ऑर्डर कभी भी दो या दो से बड़ा होना चाहिए। मान लीजिए यहां पर अगर मैं यम लिख देता हूं, तो यम का जो वैल्यू है दो या दो से बड़ा होना चाहिए। मतलब सर्ड का ऑर्डर कभी वन नहीं होता है। अगर मैंने कोई सिंबल ले लिखा है, ऐसे लिखा है रूट के अंदर फोर, इसका मतलब ये होता है कि इसका ऑर्डर यहाँ पे टू है, ठीक है। और हम लोग जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो टू टाइम उसका पेयर बना लेते हैं, एक बार लिखने के बाद रूट हट जाता है। पढ़ा है आपने इसके क्लास में। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर थ्री और यहाँ पे एट लिखता हूँ, इसका आएगा, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, टू इंटू टू इंटू टू। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो ये दो पेयर बनता, एक टू रह जाता। मान लीजिए यहाँ पे ऑर्डर कुछ नहीं, तो इसका क्या आंसर आता, दो पेयर बना है, जिसका पेयर बनता है वही सर्ड से बाहर आता है। एक तरह से जेल समझ लीजिए, पार्टनर मिलेगा तो ही जेल से बाहर जाएगा, अगर नहीं पार्टनर मिला बेचारा अंदर रह जाएगा। तो ये दो बार दो है, एक दो बाहर आ जाएगा और दूसरा दो अंदर रह जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको रूट को सॉल्व करते, ठीक है। अगर इसका ऑर्डर यहाँ पे तीन होता, यहाँ पे ऑर्डर थ्री होता, तो हम लोग तीन का पेयर बनाते और फिर ये रूट टू कुछ नहीं होता। अगर ऑर्डर फोर है तो हम लोग चार चार का पेयर बनाएंगे। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, इसको क्यूब रूट पढ़ते हैं। और अगर यहाँ पे ऑर्डर यन है तो यहाँ पे कोई नंबर ए है, इसको हम पढ़ते हैं यंथ रूट। तो इसका जब यंथ रूट है, ये रूट हटने के लिए मुझे इसका ऊपर पावर n टाइम करना पड़ेगा। जैसे स्क्वायर रूट है, रूट के अंदर नंबर थ्री है, इसका रूट हटाना है मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब जितना ये ऑर्डर होता है, ठीक है, उतना होता है, मतलब उतना ही पावर करेंगे तो रूट हट जाता है, ठीक है। जैसे इसका मतलब और बता दूं आपको, अगर n तो रूट ए है, इसका मतलब है ए की पावर वन बाई n। अगर यंथ रूट ऑफ ए है, इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर वन बाई एन। तो जैसे देखते हैं हम लोग, यहाँ कुछ एग्जांपल लेता हूँ फिर एडिशन सिखाएंगे। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ सेवन, इसका मतलब है सेवन की पावर वन बाई टू। अगर यहाँ लिखता हूँ क्यूब रूट ऑफ सेवन, इसका मतलब है सेवन की पावर वन बाई थ्री। उसी तरह क्यूब रूट ऑफ ए, यंथ रूट ऑफ ए रहेगा तो ए की पावर एन बन बाई एन। तो जो मैंने यहाँ कहा, ठीक है, कि अगर पावर एन कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा। अंडरस्टूड, समझ में आया, ये रूट का बेसिक कंसेप्ट है। मतलब हम रूट को इंग्लिश में सर्ड्स कहते हैं, ठीक है, सर्ड्स का बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया। अब सर्ड्स में एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, वो हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले एडिशन होता है, अक्सर रूट वाला क्वेश्चन हमारे सामने आया तो हम लोग डर जाते हैं, इतना होगा। क्यों डर जाते हैं, क्योंकि उसका बेसिक रूल सबको पता ही नहीं कि कैसे उनको ऐड करते हैं, कैसे सबट्रैक्ट करते हैं। देखिए, रूट वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका होता है, पहले रूट हटाने का सोचो। रूट हटेगा कैसे, उसका ऑर्डर जो रहता है उतना ही टाइम उसको उसका
मल्टीप्लाई प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब अगर ऑर्डर टू है तो स्क्वायर करेंगे, ऑर्डर थ्री है तो क्यूब करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग उसको सर्ट को हटाते हैं, सर्ट हट गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। देखते हैं दो रूट वाले नंबर्स को ऐड करने का रूल क्या है। मान लीजिए रूट के अंदर आपका एक्स है और यहाँ पे टू रूट एक्स है, ये टू रूट एक्स, ये टू ऑर्डर नहीं मिला, अगर टू यहाँ लिखता तो उसका ऑर्डर रहता है, ठीक है। जिस तरह हम लोग प्लस का साइन नंबर भी अगर लिखते नहीं है, प्लस फाइव है तो हम सिर्फ फाइव लिख देते हैं, ये अंडरस्कोर की प्लस है, उसी तरह टू जब ऑर्डर रहेगा तो हम यहाँ लिखते नहीं है तो जनरल अंडरस्कोर है, मतलब ऐसे लिखा गया है इसका मतलब इसका ऑर्डर टू होगा। टू के अलावा कोई और ऑर्डर स्पेसिफाई करना है तो हमें वहां पे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे देखते हैं इसका ये मतलब हुआ एक्स प्लस टू ए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि ए प्लस टू ए क्या होगा, मेरे ख्याल से आप सभी का आंसर होगा, इसका आंसर होगा थ्री ए। उसी तरह रूट एक्स प्लस टू रूट एक्स को आप कैसे ऐड करते हैं, अगर ये जो रेडिकेंट है और इस रूट का जो ऑर्डर है, मतलब स्क्वायर सर्ट का जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा तो ही एडिशन पॉसिबल होता है। दो चीजें ध्यान रखनी, पहला चीज कि रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, दूसरा रूट का जो ऑर्डर है वो भी सेम होना चाहिए, तभी हम जोड़ घटाना कर सकते हैं। अंडरस्टूड, ठीक। सिर्फ मैं एडिशन की बात कर रहा हूं, एडिशन मतलब प्लस माइनस दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों के लिए रूल सेम है, ठीक है। तो देखते हैं जैसे a प्लस टू ए आपका ये हो गया 3a, उसी तरह देखिए इसको अगर मैं वेरिएबल समझ लू a, ये आपका हो गया a, तो जोड़ के क्या आएगा 3a, लेकिन a क्या था अपना रूट एक्स, यहां पर लिख देंगे रूट एक्स। तो कहने का मतलब रूट एक्स प्लस टू रूट एक्स क्या आएगा आंसर, थ्री टाइम रूट एक्स। इसको एक वेरिएबल ट्रीट करते हैं। और दूसरा तरीका देखना है तो क्या करें, रूट एक्स को कॉमन ले लें, क्या आएगा यहाँ पे वन प्लस टू, बाहर ले लीजिए रूट टू, रूट एक्स को बाहर लिया तो यहाँ क्या बचा वन, यहाँ पर टू बच गया, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर थ्री रूट एक्स। अगर इसकी जगह मैं आपको एक सवाल देता हूं इस तरह का कि एक्स रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस टू रूट एक्स, तो देखो पहले हम इन दोनों को चेक करते हैं क्या इनका एडिशन पॉसिबल है। ये लाइक टर्म्स, दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। अगर मैं आपको कहूं कि एक एप्पल और दो बनाना मिलके कितने हुए, क्या आप कह सकते हो कि तीन एप्पल हो गया या दो तीन बनाना हो गया, नहीं कह सकते ना, ठीक है। उसी तरह ये एप्पल है तो ये बनाना है, दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते, बोलेंगे सर मिक्स कॉकटेल जूस बना लेंगे, वो डिफरेंट चीज रहेगा। लेकिन यहां पे दे आर नॉट लाइक टर्म्स, अगर लाइक टर्म्स रहेगा तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं, ओके। तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, इनका एडिशन नहीं पॉसिबल है, लेकिन इसको हम जोड़ सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको इसको ऐड कर लेंगे, क्या आएगा थ्री रूट एक्स, और इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे रूट वाई। कुल मिला के क्या समझ आया, कर्णी के अंदर या रूट सर्ड के अंदर जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम है। देखिए एडिशन आप, आई होप आपको समझा होगा इतना, ठीक है। तो अगर लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक। मैं बिटा अगर एडिशन कब पॉसिबल नहीं होता है ये चीज को ध्यान से समझिए, क्योंकि नहीं कब होता है ये मालूम रहेगा तो भी अच्छा है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, कोई कहता है कि रूट टू प्लस रूट थ्री का आंसर निकालो, तो इसका आंसर यही है क्योंकि इसको आगे हम ऐड नहीं कर सकते, कारण अंदर का नंबर सेम नहीं है, ठीक। और कोई कहता है कि रूट टू प्लस टू रूट टू प्लस थ्री रूट टू, ठीक है ठीक है, प्लस सेवन रूट टू। देखिए सबका अंदर का नंबर, रूट के अंदर का नंबर क्या है, टू रूट थ्री हो गया, ये सेम है, ये सेम है, देखिए ये वाला और ये वाला तीनों सेम है, बाकी ये सेम नहीं है, इसको हम ऐड नहीं कर पाएंगे, इसको एज इट इज रख लेंगे क्योंकि इसका कोई पार्टनर नहीं है। जैसे आपको कहता था ए प्लस थ्री ए प्लस टू बी प्लस सी प्लस ए फोर ए, ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने एडिशन क्लास एट में पढ़ा है, तो हम इसमें किसको किसको ऐड करते हैं, ए थ्री ए और फोर ए, इनको बोलेंगे लाइक टर्म्स, इनको ऐड कर लेंगे और इसको ऐसे ही लिख देते हैं, विल राइट कीप दिस थिंग्स एज इट इज और जो लाइक टर्म्स है विल ऐड देम, ओके। सो यहां पे देखो कैसे ऐड करते हैं, यहां पे रूट टू ये और ये ऐड हो जाएगा, एक टाइम रूट टू, थ्री टाइम रूट टू और सेवन टाइम रूट टू, तो कितना हो गया सेवन प्लस थ्री टेन प्लस वन इलेवन, ये हो गया इलेवन रूट टू। जैसे एक एप्पल, तीन एप्पल और सात एप्पल, आप जोड़ के बोलेंगे इलेवन एप्पल बोलेंगे, खाली इलेवन नहीं कहेंगे, ओके। यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, प्लस टू रूट थ्री, इस तरह से इसका एडिशन पॉसिबल होता है।
समझ आया। अब एक और चीज देख लेते कब हम ऐड नहीं कर पाएंगे। एक तो ये बताया कि अंदर का नंबर सेम ना हो तब नहीं ऐड कर पाएंगे, एडिशन नॉट पॉसिबल, ये आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा रहता क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ रूट के अंदर 7 लिखता हूं तो हम इसका आंसर रूट के अंदर 15 नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। अंदर के नंबर कभी जुड़ते नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज इसके ऑर्डर भी सेम नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर 3 है, देखिए ये 3 लिखते हैं बाहर तो ये मल्टीप्लाई हुआ, ये यहां लिखते हैं तो ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। इनका आंसर ये नहीं होगा, समझ में आया। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 2 है, प्लस रूट के अंदर 7 है, तो हम लोग क्या करते हैं 3 प्लस 2 5 प्लस 7 12 ऐसे लिखते हैं, रूट के अंदर 12, तो ये गलत है, ऐसे एडिशन नहीं होता है, ओके। इसका एडिशन पॉसिबल ही नहीं है, यही आंसर छोड़ देंगे, इसके आगे हम लोग नहीं सिंप्लीफाई कर सकते। आई होप आपको समझ में आ गया है, ये है एडिशन का प्रोसेस। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एडिशन पे, जैसे लेता हूं मैं अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट माइनस ऑफ अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6, क्या आंसर आएगा इसका। जब ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट 6। आप जानते हैं कि ये भी सेम नंबर है, ये भी सेम नंबर है, सेम माइनस सेम क्या रिजल्ट आता है 0, ठीक है। अगर कहते हैं हम लोग की ऐड करिए रूट ट्वेल्व प्लस रूट 18 या आई कैन डू दैट, रूट 24 प्लस रूट 36 बोलेंगे ऐड करो। सबसे पहला काम हम चेक करेंगे क्या अंदर नंबर सेम है, आप बोलेंगे सर नहीं सेम है तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इनको अगर फैक्टराइज करके करें, मतलब ये मिक्स, ये इसको कहते हैं प्योर सर्ड, प्योर सर्ड ऐसा होता है, रूट के अंदर मैं 12 लिखा हूं ये प्योर सर्ड है, लेकिन हम पहले इसको मिक्स सर्ड में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स सर्ड कैसे करते हैं ये जरा ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर जो ये नंबर है उसको फैक्टराइज करेंगे, 2 2 4 4 3 12। अब देखेंगे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2 है तो दो दो का पेयर बनाएंगे, दो का पेयर इसका बनता है तो ये जेल से बाहर हो जाएगा आपका 2√3, इसको कहते हैं मिक्सर। अगर अंदर का नंबर फैक्टरेबल है, प्राइम नंबर के अलावा है तो उसको हम फैक्टराइज करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, फिर देखेंगे क्या अंदर सेम होता है या नहीं। तो जैसे देखते हैं 24 ये हो गया, 12 का क्या चाहिए मैंने 2√3 कर दिया, 24 को निकालते हैं हम लोग इसी तरह, कैसे लिखेंगे 2 2 4 4 3 12 6 होता है, आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया आपका 4√6। अभी रूट 36 को सॉल्व करते हैं, रूट 36 मतलब 2 2 4 2 और 3 दोनों बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो हम रूट लिखते रहिए, क्या आंसर आएगा इसका 6, इसका आगे आंसर 6। तो हम अभी चेक करेंगे क्या रेडिकेंट सेम है, नहीं सेम है, रेडिकेंट मतलब रूट के अंदर वाला नंबर सेम नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। बहुत करना होगा तो इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, देखिए 2 सिंपलेस्ट करना होगा, 2 इसमें कॉमन है, 2 कॉमन निकाल देंगे क्या है यहाँ पे रूट 3, यहाँ बचेगा 2√6, यहाँ बचेगा रूट 3, ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। इससे फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आई होप आप लोगों को एडिशन समझ आए। अब हम देखेंगे इसका सेम रूल आपका सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, मतलब अगर यहाँ पे मैंने माइनस साइन रखा तो दिखाया आपको ना, जैसे 2√6 है माइनस 3√6 तो क्या आएगा आंसर -√6, जो रूल प्लस के लिए बताया वही रूल माइनस के लिए भी है। अब हम देखते हैं इनटू मल्टीप्लाई और डिवीजन देखते हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी सेकंड ऑपरेशन व्हिच इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और ध्यान से समझिए आपको टेंथ में भी काम आएगा ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।
सो मल्टीप्लीकेशन मेन ऑपरेशन लिखता हूं, ठीक है, तो इनटू और इनटू कर देते हैं और आपका डिवीजन करके बता देते हैं डिवीजन। इन दोनों के लिए सेम रूल है। पहला चीज ये रखना है कि रूट के अंदर जो नंबर सेम है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशन में क्या देखना पड़ता था कि अंदर का नंबर सेम है कि नहीं। अंदर के नंबर अगर सेम नहीं है तो भी हम मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखिए वो चीज यहां पे नहीं होता है। मतलब अगर रूट के अंदर एक्स है, इन जनरल ले रहा हूं, यहां रूट के अंदर वाई है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? अंडर रूट एक्स वाई। कब? बट एक चीज ध्यान रखना है आपको कि ये जो रूट के बाहर का जो नंबर ऑर्डर होता है वो सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो मैं ऑर्डर का एलसीएम लेकर फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेट इट बी, ऑर्डर को सेम बना के ही मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं। यहां पे उतना आगे नहीं जाना है, सिंपली याद रखिए क्या रूट एक्स इंटू रूट वाई क्या होता है, रूट ऑफ एक्स वाई। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर रूट टू इंटू रूट थ्री करना हो तो क्या आंसर निकलेगा आपका? रूट के अंदर सिक्स। ठीक है, अगर कोई कहता है कि सर रूट टू इंटू रूट फाइव करना है तो क्या आंसर आएगा? रूट के अंदर टेन। समझ में आया? अब ये पहला कंडीशन हो गया। इसी तरह मल्टीप्लाई में भी है, जैसे रूट एक्स अपॉन रूट वाई है तो हम क्या करेंगे, एक बार रूट कॉमन ले सकते हैं और ऐसे लिख दीजिए। समझ में आया? अगर दूसरा चीज, अगर रूट के अंदर नंबर सेम हुई तो क्या मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे? क्या रूट के अंदर नंबर सेम हो जाए तो क्या हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बताएं। इफ द रेडिकेंस आर सेम देन आल्सो वी कैन डू द मल्टीप्लीकेशन। रूल सेम रूल भी आप अप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा? इट विल बिकम अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इट विल बिकम अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ओके, बिकॉज एक्स इंटू एक्स क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट का ये रूट हटेगा, तो इसका मतलब क्या आता है? जो भी नंबर अंदर है, याद करो मैंने बताया था कि यंथ रूट ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है, एक्स की पावर वन बाई यन। मतलब अगर रूट हटा रहे हैं तो एक्स की पावर पे वन बाई यन लिख देंगे। तो अगर मैं इस नंबर का रूट हटा रहा हूं, ये नंबर क्या है भाई? एक्स स्क्वायर। इस नंबर के ऊपर आपका लग जाएगा पावर वन बाई टू। सर वन बाई टू कहां से आया? इसको ऑर्डर टू है। ओके, So, ये टू टू गेट कैंसल, आंसर आएगा आपका x। तो इन सिंपल सी बात में आपको, इन शॉर्ट आई विल टेल यू, इफ वी डू स्क्वायर ऑफ एनी नंबर अंडर रूट, सपोज वी हैव अंडर रूट a एंड वी आर डूइंग स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, वी गेट रूट आउट, और वी कैन से रूट गेट कैंसल। मतलब किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस इसका क्यों हटता है? उसी तरह इन सेम वे इफ वी डिवाइड टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, दिस पार्ट इज डिस्कस, इफ यू डिवाइड टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स तो रूट एक्स रूट एक्स विल गेट कैंसल, विल गेट आंसर एज टू। समझ में आया? सेम सेम रहेगा तो हम कैंसिल कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। प्लीज पॉज दिस वीडियो, नोट इट डाउन, विल डू द एक्सरसाइज। So students, now I'm taking three examples based on whatever we have learned just now. हमने क्या पढ़ा, कैसे add करते हैं, कैसे subtract करते हैं, कैसे multiply करते हैं। So I have taken three examples based on that to make you understand the concept. And I hope you all have written all the questions, you can see clearly. I will hope that you should pause this video and try this question by own, then see solution afterwards by playing it. पहले वीडियो को pause करके मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद try करें। ठीक है, बाद में वीडियो प्ले करेंगे जिसका सोल्यूशन मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको ऐड करना है। टू रूट टू प्लस फाइव रूट थ्री, दिस इज वन नंबर एंड दिस इज अदर नंबर, वी हैव टू डू व्हाट? एडिशन। सो आई विल जस्ट राइट द क्वेश्चन अगेन फॉर डूइंग सोल्यूशन। टू रूट टू इन वन ब्रैकेट प्लस फाइव रूट थ्री, देन प्लीज विल पुट प्लस साइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ डूइंग दैट। रूट टू माइनस थ्री रूट थ्री, दिस इज हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ डूइंग। So how we add? We'll take what term, like terms together. जो like terms है उनको हम लोग एक साथ ले लेंगे। जैसे अगर मैं कहता कि add करो भाई 2a, 2a plus 5b and a and minus 3b। अगर मैं कहता कि इसको add करो, class 8 में आपने पढ़ा है कि a वाला a से add होगा, b वाला b से add होगा। ठीक है,
सेम रूल यहाँ भी अप्लाई करते हैं, विल टेक लाइक टर्म्स टुगेदर, मतलब टू रूट टू एंड देन दिस साइन प्लस रूट टू टुगेदर, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लेकर आते हैं साथ में लेते हैं, उसके बाद ये साइन इसको लिख देते हैं, और नेक्स्ट टाइप का टर्म फाइव रूट थ्री दिया माइनस साइन है माइनस थ्री रूट थ्री, मतलब एक साइन वाले एक टाइप वाले चीजों को एक साथ ले लिया। अब इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे टू है, यहाँ पे कोई नंबर दे जिसको हम वन समझेंगे, ठीक है, टू प्लस वन क्या हो गया थ्री, और ये अपना वेरिएबल की तरह रहेगा, ये मत करना कि रूट टू फोर हो गया ये टू सिक्स, नहीं, ठीक है, ये वेरिएबल के जैसा ही जाएगा, यहाँ पे हम सिर्फ लिख देंगे इसको रूट टू, मतलब कि दो एप्पल था एक एप्पल और ऐड कर दिया कितना हो गया थ्री, थ्री नहीं बोलेंगे थ्री एप्पल, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखो फाइव रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री, अभी देखो फाइव ये तो ए हो गया बी मान लेते हैं, फाइव बी में से थ्री बी गया क्या बचेगा टू बी, यहाँ पे हम लिखेंगे टू रूट के अंदर, अब इनको हम फर्दर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अंदर के टर्म्स सेम नहीं है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Now let us see one example of multiplication. It is 6 root 5 by 2 root 5. 5 means 8. Okay. So we have to do like this. 6 root 5 into 2 root 5. Okay. Multiplication करते समय क्या करेंगे हम लोग, will the whole numbers हैं जो बड़े-बड़े numbers हैं उनको साथ में multiply कर लेंगे. 6 to the will write 12 and root 5 root 5. As I said अभी बताया इस वीडियो में कि root x into root x क्या होता है? x हो जाता है, अगर नंबर सेम है तो रूट घट जाता है, नंबर सेम नहीं रहेगा तो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब अगर रूट एक्स इंटू रूट वाई है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा रूट फाइव इंटू रूट फाइव वाई, इसका रूट घट जाएगा। अब इन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, 12 5 16, दिस इज योर आंसर। सबसे पहले क्या करेंगे, जो बाहर नंबर्स है उनका मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद रूट वाले का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 7, ठीक है, देखो यहाँ के अंदर का नंबर सेम नहीं, तो ये नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई किया 4 आया, रूट 3 इंटू रूट 7 क्या हो गया रूट 21, समझा, अगर यहाँ पे 3 होता तो हम क्या लेते हैं 4 इंटू 3 रूट हट जाता है, समझा, ठीक। अब एक डिवीजन का एग्जांपल देख लेते हैं, वहां पर है डिवाइड 8 रूट 15 बाय 2 रूट 3, हमको 8 रूट 15 को 2 रूट 3 से डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट 8 रूट 15 अपॉन 2 रूट 3 एंड विल डू द फैक्टराइजेशन, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा, ओके, आप डायरेक्टली कट कर सकते हैं 2 4 जा 8, उसके बाद रूट क्या आया आपके अंदर रूट 15, रूट 15 को ले सकता हूं रूट 5 इंटू 3 और डिनोमिनेटर में आएगा आपका रूट 3, मैंने बताया था। और जैसे यहाँ आपने देखा है कि रूट एक्स इंटू रूट वाई क्या होता है रूट एक्स वाई, इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, अगर दो और दो चार होता है तो चार को दो और दो में थोड़ा भी जा सकता है, ओके, सो हम क्या करेंगे इसको ब्रेक कर देंगे ऐसे रूट फाइव इंटू रूट थ्री, क्योंकि देखिए आपको क्या रूट फाइव इंटू रूट थ्री रूट फाइव इंटू थ्री रूट फाइव इंटू थ्री मतलब रूट फिफ्टीन, वही चीज है, अब नीचे है आपका रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री गेट कैंसिल, ओके, तो क्या आंसर बचेगा रूट फाइव। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस थ्री ऑल द थ्री कॉन्सेप्ट्स व्हाट वी हैव लर्न्ड, हाउ टू ऐड टू रियल नंबर्स, हाउ टू मल्टीप्लाई टू रियल नंबर्स, हाउ टू सबट्रैक्ट टू रियल नंबर्स एंड हाउ टू डिवाइड टू रियल नंबर्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ अ इरेशनल नंबर, ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 1.5 for this time being exercise 1.5 question number 1 and 2 I will hope that you will try as a homework. Thank you for watching this video.